प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पूर्णिया में अस्थि कलश यात्रा निकाली गई। बीजेपी कार्यालय से निकलकर शहर के मुख्य मार्ग होते हुए आरएनसा चौक पहुँचे। अस्थि कलश यात्रा में बिहार सरकार के मंत्री कृष्ण कुमार ऋषिदेव, पूर्व सांसद उदय सिंह, सदर विधायक विजय खेमका, जदयू धमदाहा विधायिका लेसी सिंह उपस्थित थी। साथ ही बीजेपी और जदयू के कार्यकर्ताओं के अलावे पूर्णिया की आम जनता भी शामिल हुई, जहाँ स्वर्गीय वाजपेयी जी के प्रशंसकों के द्वारा उनके अस्थि कलश पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे का नारा से चारों ओर गूंज रहा था। अटल बिहारी अमर रहेंगे। जनता भी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की अस्थि कलश यात्रा में शामिल हुई। प्रस्तुत है, हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। राष्ट्रीय एकता कौमी सौहार्द के ये प्रतीक हमारे बीच भौतिक रूप से न हो, लेकिन इनकी याद, इनके दिखाए हुए राह, ये सदियों तक हमारे बीच रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी की ये प्रयास रहेगी कि इन्होंने जो हमें सीख दिया है उस सीख के अनुकूल ही हम कार्य करें। आनंद 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 क्या शॉट ले लेना। राजनीति के महानायक पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थि कलश यात्रा 24 अगस्त शुक्रवार को कटिहार जिले के झौवा स्थित महानंदा नदी के सोनापुर घाट पर विसर्जित की गई। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों से बिहार भाजपा अध्यक्ष नित्यानंद राय को अस्थि कलश सौंपा था। यह अस्थि कलश पटना से अररिया, फारबिसगंज, किशनगंज होते हुए पूर्णिया पहुँची, जिसके बाद इस कलश यात्रा में सभी राजनीतिक दल के नेताओं के साथ साथ आमजन शरीक हुए। यह कलश यात्रा पूर्णिया के बाद कटिहार पहुंची, जिसके बाद इसे महानंदा नदी में विसर्जित की गई। आखिरकार आज मेयर पर चुनाव की गिनती खत्म होने के साथ ही पूर्णिया को नया मेयर मिल गया। जी हां, विभा देवी को 24-22 के आंकड़ों से हरा सविता देवी चुनाव जीत गयी। चुनाव जीतने के साथ ही सविता देवी के समर्थकों में काफी उत्साह देखने को मिला। हम
बताते चले कि मेयर पद को लेकर अविश्वास प्रस्ताव के बाद इस मामले में कई हाई वोल्टेज ड्रामा भी चला, जो कि पटना हाईकोर्ट तक पहुंचा, जिसके बाद पटना हाईकोर्ट ने चुनाव परिणाम पर तत्काल रोक भी लगा दी, जिसके बाद 24 अगस्त को जिला प्रशासन की देखरेख में परिणामों की गिनती की गई, जिसमें कुल 46 वार्ड पार्षदों में सविता देवी के समर्थन में कुल 24 वोट मिले, जिसके साथ ही पूर्णिया को नई मेयर साहिबा मिल गई। अब देखना यह है कि पूर्णिया की नई मेयर साहिबा पूर्णिया के सौंदर्यकरण में क्या भूमिका निभाती है। इतिहास बने। अच्छा, आज के इस नतीजे में, आज के इस नतीजे में किस तरह की पूरे चुनावी प्रक्रिया में बहुत अच्छे से शांति माहौल था और अच्छे से हो गया, हो गया, बहुत अच्छे से बनाएंगे। सभी पार्षदों को धन्यवाद देना चाहते हैं। ओके ओके। आपके सपनों का घर आसान किस्तों में, जी हां, सरिता बिहार इंफ्रासिटी डेवलपर्स लेकर आया है सुनहरा अवसर। प्रधानमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत अब अपना घर लेना हुआ बिल्कुल आसान। 2.5 BHK बंगलो मात्र 17.5 लाख रुपए में। हम रखते हैं आपकी सुविधाओं का ख्याल, हम बनवाते हैं आपके सपनों का घर वास्तु शास्त्र के अनुसार। सरिता बिहार वास्तु के आधार पर पूरा का पूरा मकान बनाती है। आइए सरिता बिहार में मकान लें और अपने सपनों को साकार करें, जहां 24 घंटे बिजली, पानी एवं सुरक्षा, CCTV कैमरे की निगरानी, साथ ही चिल्ड्रन पार्क, शॉपिंग सेंटर, मैरिज हॉल की भी व्यवस्था है। ना स्मार्ट कैंपस, तो सोचना क्या, संपर्क करें सरिता बिहार, क्योंकि हम बनाते हैं आपके सपनों का घर। हमारा पता है सरिता बिहार, भट्टा बाजार, शुक्रवानी रोड, पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7280059001, 7280059002, 7280059008 और 7280059009।